अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। है ना लाभ भाई, तुम ब्रजवास नहीं कर पाए, इतने किस्मत नहीं है, ऐसे अभी कृपा नहीं हुई। ब्रजवास हो जाए तो जैसे शराब तुम नहीं पी रहे हो लेकिन तुमने दूसरों को पिला दी, वो भी तो पाप है। इसी प्रकार तुम ब्रजवास नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, यदि तुमने कुटिया बनाकर दूसरे को ब्रजवास करा दिया, संत को दे दी कुटिया, लो महाराज करो ब्रजवास करो भजन, तो डबल पुण्य है। संत भजन करेगा, जैसे शराबी शराब पिएगा, हमने भले ना पी लेकिन पिलाने का कुछ पाप हमको भी लगेगा। इसी प्रकार तुमने भले ब्रजवास नहीं किया और कुछ कोटि का भजन नहीं किया लेकिन तुम्हारी कुटिया में कोई संत ब्रजवास कर रहा है और भजन कर रहा है, उसका कुछ हिस्सा आपके खाते में भी आता रहेगा। कितना बड़ा काम हो गया है, साधारण नहीं मानना इसको, जरा ध्यान दे इस बात पर। हरि का नाम जे जपे जपावे, नानक बिन श्रम मुक्ति पावे। जो केवल भजन करते हैं उनको बहुत भजन करना पड़ेगा तब उद्धार, लेकिन जो दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, तुम भी माला करो, तुम भी भजन करो, अनेकों से भजन करा रहे हैं तो उनका थोड़े भजन से ही उद्धार हो जाएगा, क्योंकि औरों से भी तो करा रहे हैं कितनों से। तो हरि का नाम जे जपे जपावे, नानक बिन श्रम मुक्ति पावे। बिन श्रम का मतलब थोड़ा सा, थोड़े से ही काम बन जाएगा, अधिक परिश्रम करना नहीं पड़ेगा।